नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो एशिया कप का T20 मैच खेले जाने वाला है। इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में दी है, आप जाइए कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए और आपको जो फर्स्ट कमेंट मिलेगा उसमें आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। लिंक पर क्लिक करोगे तो सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। यही हमारा ओरिजिनल चैनल है और किसी भी फेक चैनल पर आपको ज्वाइन नहीं होना है। साथ ही साथ 20,000 रुपये का फ्री भी आपके रखा है, तो आप इजिली पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हैं। अब दोस्तों बता दूँ कि जो भाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेगा लीग प्ले करते हैं, मेगा लीग प्ले करते हैं फिर ग्रैंड लीग प्ले करते हैं, तो आपको बता दूं इस टेलीग्राम चैनल की लिंक जहां पे मैं आपको डेली 6 टीम्स प्रोवाइड करता हूं मेगा लीग की, तो लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दी है। फर्स्ट कमेंट जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको लिंक मिलेगी। लिंक पे क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात अगर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये मैच इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा हो सकता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए मैच जो है वो उतना अच्छा नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करना क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट हेड टू हेड में करना है या 3 मेंबर्स में करना है। 4 मेंबर्स में आपको नहीं करना है क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्की मैच हो सकता है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है अपना मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये मैच अगर रिस्की होगा तो कौन से ऐसे प्लेयर होगी जो यहाँ पे रिस्क में हो सकते हैं, मतलब रिस्की हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मेंडिस की बात अगर करेंगे, मुशफिकुर रहीम की बात करेंगे, दोनों का सिलेक्शन 50% के ऊपर है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम क्लीन स्वीप करे, तो दोनों में से किसी को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी आपका एक रिस्क बनेगा। लेकिन दोनों में से किसको ड्रॉप करना है और क्यों ड्रॉप करना है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। अनामुल हक की बात करेंगे, ओपन कर सकते हो, मेरे हिसाब से स्कोर तो करेंगे लेकिन हम इनको ड्रॉप करना पड़ेगा, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं अभी। बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की, तो भानुका राजपक्षा है, मोहम्मदुल्ला है और यहाँ पे निशंका। मोहम्मदुल्ला के बारे में एक चीज बता दूं दोस्तों कि इन्होंने लास्ट मैच बॉलिंग नहीं की मेरे हिसाब से, और यहाँ पे अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करने के लिए आते, फिर भी लोगों ने इनको पिक किया, 80% लोगों ने इनको पिक किया। लोगों ने इनको क्यों ट्राई किया इसके पीछे का रीज़न बताने वाला हूँ, हम इनको क्यों ड्रॉप कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद असलंका को ट्राई करना चाहिए या फिर ऑलराउंडर को ट्राई करना चाहिए, इसके पीछे भी कंफ्यूजन होने वाला है, ये भी हम क्लियर करेंगे। गुंतलिका इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच के लिए। साथ ही साथ आफिफ हुसैन की बात करेंगे, बॉलिंग करने के चांसेस है। और बात करेंगे नईम शेख, तो ये ओपन करेंगे, स्कोर कर सकते हैं लेकिन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं अभी। उसके बाद नीचे में बात अगर करेंगे तो यहाँ पे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है और मेरे हिसाब से ये प्लेयर प्ले नहीं करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं डब्ल्यू हसरंगा और यहाँ पे शकीब उल हसन, इन दोनों को भी आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, दोनों में से किसी को भी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, एक तो मोसडिक हसन को पिक करना चाहिए या फिर मेहदी हसन को पिक करना चाहिए। मेहदी हसन का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 8% है दोस्तों, लेकिन फिर भी जो लास्ट मैच खेला गया था उसमें मेहदी हसन को बहुत से लोगों ने लिया था, क्योंकि एक विकेट टिकर बॉलर है, पूरे के पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे तो विकेट मिल सकती है, लेकिन लास्ट मैच विकेट नहीं मिला। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, एक तो मोसडिक हसन जिनको 77% लोगों ने पिक किया है, लेकिन इनको क्यों ड्रॉप करना चाहिए ये रीज़न बताने। उसके बाद मेहंदी हसन की अगर बात करेंगे इनको पिक करना चाहिए। उसके बाद करुणा रत्नी और शनाका की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो गए कि नहीं ये हम आगे में डिस्कस करेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे, थिक्षणा है, मुस्तफी फिजुर रहमान है और सैफुद्दीन, इन तीनों को आपको टीम में ट्राई करना चाहिए। ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर तास्किन अहमद को भी ट्राई कर सकते हैं, पार्थी राणा और मधुशंका इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो हम यहाँ पे जो टीम बनेंगे उसमें 10 प्लेयर हम सेफ लेने वाले हैं, लेकिन एक प्लेयर पे हमें रिस्क लेना होगा जो हमें क्लीन स्वीप करा सकता है। अब इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर टीम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सबसे पहले वेन्यू की, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, इसी पिच पर लास्ट कल जो मैच खेला गया था इंडिया वर्सेस हांगकांग का, 7:30 बजे दोस्तों मैच स्टार्ट होगा। आपको यहाँ पे 7 बजे ऑनलाइन रहना होगा, 7 बजे दोस्तों यहाँ पे ऑन लाइनअप आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो लास्ट मैच के रिकॉर्ड हमें यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें लास्ट के 3 मैचेस का रिकॉर्ड देखना होगा जो इस पिच पे खेला गया है और मैचेस इस पिच पे खेले गए। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इनिंग की, तो श्रीलंका वर्सेज अफगानिस्तान के बीच मैच खेला गया था। यहाँ पर अगर स्कोर की बात करेंगे 105, यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया वर्सेज पाकिस्तान 147 का, और यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया का स्कोर 192 का। अब दोस्तों आपने ये रिसेंटली मैच देखा होगा तो आपने ये सोचा होगा कि नहीं यार, इंडिया ने यहाँ पे 192 का स्कोर किया है, मतलब अच्छा यहाँ पे पिच पे जो स्कोर बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं अगर मैच आपने देखा होगा तो इंडिया का 114 रन पे 2 विकेट था,
तकरीबन 15 ओवर में, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है। उसके बाद 30 बॉल में इंडिया ने तकरीबन 80 रन की पारी खेली थी, ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने, विराट कोहली ने। तो ये आपको सोचना होगा कि यहाँ पे जो स्कोर बन रहा है उतना ज़्यादा स्कोर नहीं बन रहा है, लेकिन विकेट भी जा रहे। अब इंडिया की सिर्फ 2 विकेट गए, लेकिन हांगकॉन्ग की अगर बात करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने भी ये सोचा था और बहुत से एक्सपर्ट ने भी ये सोचा था कि हांगकॉन्ग की टीम ज़्यादा से ज़्यादा 110 या 120 रन पर पूरी की पूरी ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन फिर भी आवेश खान ने काफ़ी ज़्यादा स्कोर मतलब रन दिए थे, और एक तरह से देखा जाए तो हर्षदीप सिंह ने भी रन दिए थे, हालांकि हर्षदीप सिंह ज़्यादा रन नहीं देते। तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले यहाँ पे कि ये पिच जो होगा वो एक तरह से बैलेंस पिच है, जहाँ पे बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों को भी सपोर्ट मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या दोस्तों, सेकंड इनिंग में यहाँ पे जो है बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है। देखिए यहाँ पे भी सेकंड इनिंग में बैट्समैन को सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है बैट्समैन को, और मेरे हिसाब से यहाँ पे भी बैट्समैन को ही सपोर्ट मिला है, क्योंकि हांगकांग जैसी टीम इंडिया जैसी बड़ी टीम के सामने अगर 152 रन का स्कोर बनाती है 5 विकेट के नुकसान पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैट्समैन को सपोर्ट मिला है। तो जो टीम पहले यहाँ पे टॉस जीतेंगी वो पहले बॉलिंग करने का ही डिसीजन लेने वाली है, और लास्ट मैच में भी रोहित शर्मा ने कहा था कि हम अगर टॉस जीतते तो पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेते दोस्तों। तो ये जो पिच होगी एक तरह से फर्स्ट इनिंग में बॉलर को सपोर्ट करेंगी और सेकंड इनिंग में बैट्समैन को सपोर्ट कर सकती है। बैटिंग फर्स्ट टीम ने 1 मैच जीता है दोस्तों, बैटिंग सेकंड टीम ने 2 मैचेस जीते। पेसर वर्सेस स्पिनर की अगर बात करेंगे, पेसर को 20 विकेट मिले और स्पिनर को 10 विकेट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा विकेट जो है पेसर निकाल सकते हैं इस मैच में। और ओवरऑल मैचेस की बात करेंगे 79 मैचेस में से दोस्तों बैटिंग फर्स्ट टीम ने 37 मैचेस जीते, बैटिंग सेकंड टीम ने ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस विन किए हैं। हाई स्कोर की बात करेंगे, श्रीलंका का जो हाई स्कोर है दोस्तों यहाँ पे 211 का है, और वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 55 रन पे 10 विकेट का नुकसान पे है। मुझे लगता है कि जो भी स्कोर बनेगा 150 तक ही बनना चाहिए, ज़्यादा स्कोर नहीं बनेगा इस पिच पे। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे जो भी स्कोर बनता है 150 के नीचे का ही बनता है, आप देख सकते हैं 44 टाइम 150 के नीचे का ही स्कोर बना है। अब बात अगर करेंगे दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो अभी तक यहाँ पे कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं आई है। बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो इनके तरफ से भी ऐसा कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है जो मैं आपको बता सकूँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट हो। आप चाहे तो ESPN ऐप पे जाकर चेक कर सकते हैं जो भी न्यूज़ निकल के आई है, लेकिन मेरे हिसाब से वो न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगी। अब एक चीज़ बता दोस्तों, यहाँ पे श्रीलंका का हाई स्कोर है इस पिच पे, लेकिन इसी पिच पे जो है श्रीलंका की टीम हारी भी है, ये भी आपको समझना होगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो श्रीलंका ने इसी पिच पे 105 रन की पारी खेली थी और अफगानिस्तान ने इस मैच को विन किया था, श्रीलंका को हरा दिया था, तो ये देखने वाली बात है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे बैट्समैन वर्सेस बॉलर की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे श्रीलंका के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, मधुशंका है, पाथिराना है, उसके बाद देखेंगे करुणारत्न है, और यहाँ पे थिक्षणा है, और देखिए दोस्तों डब्ल्यू हसरंगा, ये 5 इनके मेन बॉलर है जो पूरे 4 ओवर कंप्लीट करके 20 ओवर कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज शनाका की बात करेंगे, शनाका यहाँ पे बॉलिंग करेंगे, तो इनमें से कोई 5 बॉलर ऐसे होंगे जो एक आध ओवर कम करेंगे या फिर 2 ओवर कंप्लीट करें कम करें, तो फिर यहाँ पे जासून शनाका वो ओवर कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज शनाका बॉलिंग नहीं करेंगे। बांग्लादेश की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये इनके 4 इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद, सैफुद्दीन, मेहदी हसन, ये इनके 4 इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। मेहदी हसन को लेने का मतलब दोस्तों यही होता है कि ये फुल 4 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर बात अगर करेंगे 5th नंबर के बॉलर की, तो मोसड़िक हुसैन भी बॉलिंग कर सकते हैं और शकीब अल हसन, ये 2-2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। स्कोर कार्ड की अगर बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता स्कोर कार्ड कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे बांग्लादेश का भी स्कोर कार्ड निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। उसके बाद दोस्तों प्लेयर सिलेक्शन की अगर बात करेंगे तो देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, कुशल विंडीज जो कि ओपन करेंगे, उसके बाद मुशफिकुर रहीम जो कि 4th नंबर पर आएंगे, और यहाँ पर अनामुल हक की बात करेंगे ओपन करेंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा है कि जो टीम पहले टॉस जीतेंगी वो पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेगी, क्योंकि पिच पे पहले फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है और सेकंड इनिंग की अगर बात करेंगे तो सेकंड इनिंग में बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है। ऐसे में श्रीलंका की टीम अगर पहले टॉस जीतती है बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो कुशल मेंडिस इंपॉर्टेंट हो गए, अदरवाइज अगर बांग्लादेश की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुशफिकुर को आपको ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी बचता है कि मुशफिकुर रहीम की बात करेंगे 4th नंबर पर आते हैं, फॉर्म की बात अगर करेंगे तो इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये टॉस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है, क्योंकि सेकंड इनिंग में अगर बैट्समैन को सपोर्ट मिल रहा है तो मैं कुशल मेंडिस के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि कुशल मेंडिस एक अच्छे ऑप्शन हो सकते। अब यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, कुशल मेंडिस को ड्रॉप किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलराउंडर सेक्शन से 4 ऑलराउंडर को लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ही विकेट कीपर को लिया है।
अनामुलक की बात करेंगे, ये भी ओपन करेंगे। और देखिए बैट्समैन को अगर सपोर्ट मिलेगा तो जो ओपनिंग करने वाले बैट्समैन होंगे उनको भी अच्छा यहाँ पे जो है वो मतलब खेलने का मौका मिलेगा, और बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तो ये ओपनिंग करने वाले बैट्समैन यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अनामुलक को ड्रॉप किया जो कि ओपन करेंगे। दो चीज़ें हो गई, एक तो ये स्कोर कर सकते हैं या फिर फ्लॉप हो सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि ये मैच रिस्की हो सकता है क्योंकि अनामुलक का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक अच्छे बैट्समैन है, टैलेंटेड बैट्समैन है जो स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैटिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बैटिंग सेक्शन में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, राजपक्षा 5th नंबर पे आ सकते हैं, मोहम्मद उल्ला 6th नंबर पे आ सकते हैं, पी निशंका ओपन कर सकते हैं, असलंका 3rd नंबर पे आ सकते हैं, गुंतलिका 4th नंबर पे आ सकते हैं, आफिफ हुसैन 5th नंबर पे आ सकते हैं, और नईम शेख की बात करेंगे दोस्तों 6th नंबर पे आ सकते हैं। ये 7 हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे हमें किसको लेना चाहिए? सबसे पहले हमें भानुका राजपक्षा को लेना चाहिए, पी निशंका को लेना चाहिए। मोहम्मद उल्ला के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, मोहम्मद उल्ला 6th नंबर पर आते हैं बैटिंग करने के लिए, और यहाँ पर देखा जाए तो 6th नंबर वाले बैट्समैन को बैटिंग करने का मौका मिलता है, मौका नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। लास्ट मैच में इन्होंने 25 रन की पारी खेली थी इसलिए इनका सिलेक्शन बढ़ गया, अदरवाइज अगर पारी नहीं खेलते बॉलिंग भी कर सकते लेकिन बॉलिंग करने के जो चांसेस है तकरीबन 25% या 30% चांसेस है, अदरवाइज बॉलिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ये भी बचता है दोस्तों को, सी असलंका को आप ट्राई कर सकते हैं जो कि 3rd नंबर पर आएंगे, तो मोहम्मद उल्ला से अच्छे ऑप्शन सी असलंका हो सकते हैं। अब देखिए सेकंड इनिंग में अगर बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है और बांग्लादेश की टीम जो है पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है और विकेट अगर श्रीलंका के जाते हैं और श्रीलंका की टीम 140 से 150 रन का टारगेट बना पाती है, जो कि 150 भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कोर माना जा सकता है क्योंकि उतना ज़्यादा सपोर्ट बैट्समैन को भी नहीं मिलता है फर्स्ट इनिंग में, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, मोहम्मद उल्ला 6th नंबर पर आएंगे तो शायद इनको बैटिंग करने का मौका ना मिले। अगर बांग्लादेश के विकेट जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बांग्लादेश के विकेट जैसे कि नईम शेख है, अनामुल हक है, यहाँ पे शकीब उल हसन है, मुशफिकुर रहीम है, आफिफ हुसैन है, दोस्तों अगर ये 5 विकेट चले जाते हैं, मतलब अगर श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका ने 140 का टारगेट मतलब स्कोर बना लिया, तो ये 5 बैट्समैन ऐसे हैं तकरीबन आपको 120 रन पे भी 5 विकेट देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में मोहम्मद उल्ला को जो खेलने के लिए मौका मिलेगा, लास्ट मैच में खेलने का मौका मिला था क्योंकि बांग्लादेश के विकेट गए थे, लेकिन अगर इस मैच में बांग्लादेश के विकेट नहीं जाएंगे तो बता दो दोस्तों कि यहाँ पे मोहम्मद उल्ला जो है वो इनको बैटिंग मिलने के चांसेस कम है, अदरवाइज बॉलिंग करेंगे तो पॉइंट देंगे, नहीं पॉइंट देंगे तो मेरे हिसाब से मोहम्मद उल्ला जो है वो ज़्यादा कुछ काम नहीं आने वाले, ठीक है। अगर इनको बैटिंग मिली और लास्ट के कुछ अगर 15-20 रन हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात अगर करेंगे यहाँ पे असलंका की, तो जो कि 3rd नंबर पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, जासून शाह का बॉलिंग नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से बॉलिंग नहीं की थी, ये 5 है। और 6th बॉलिंग ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो असलंका 6th बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए असलंका को आप टीम में ट्राई कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मैं इसी असलंका के साथ जाने वाला हूँ और यहाँ पे देखा जाए तो मोहम्मद उल्ला को मैं ड्रॉप करूंगा, यही रीज़न है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद गुंतलिका की बात करेंगे तो गुंतलिका भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि जो प्लेयर यहाँ पे फ्लॉप हो जाता है उसको हम जो है नीचे में डाल देते हैं, ठीक है, और जो स्कोर करेगा उसको हम ऊपर में डाल देते हैं, लेकिन हम ये लॉजिक नहीं लगाते कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आ सकता है और कितने पॉइंट दे सकता है। गुंतलिका की बात करेंगे 4th नंबर पर आ सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, आफिफ हुसैन 5th नंबर पर आ सकते हैं, और नईम शेख की बात करेंगे ओपन करेंगे, इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद अगर बात करेंगे इन तीनों प्लेयर को हम ड्रॉप करने वाले, ठीक है, तीनों ही प्लेयर को हम ड्रॉप करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तो आप देख सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, सबसे पहले तो कौन किस नंबर पे आएगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। डब्ल्यू असलंका की बात करेंगे 6th नंबर पे आएंगे, शकीब उल हसन 3rd नंबर पे आएंगे, मोसड्डिक हुसैन 7th नंबर पे आएंगे, करुणा रत्न की बात करेंगे 8th नंबर पे आएंगे, मेहदी हसन की बात करेंगे 8th नंबर पे आएंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात दोस्तों क्या है कि डब्ल्यू असलंका, शकीब उल हसन को आपको देना चाहिए, उसके बाद मेरे हिसाब से मोसड्डिक हुसैन को लेना चाहिए, ठीक है। हमने इन 3 प्लेयर को ले दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि डब्ल्यू असलंका जो है वो 6th नंबर पर आएंगे, बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, अगर बैटिंग मिली तो बैटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज बॉलिंग से तो पॉइंट देकर 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। शकीब उल हसन 4 ओवर कंप्लीट करेंगे प्लस बैटिंग से पॉइंट देंगे। अब मोसड्डिक हुसैन की बात करेंगे 7th नंबर पे आएंगे, लास्ट मैच इनको बैटिंग करने का मौका मिला, इस मैच में बैटिंग करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर बांग्लादेश की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है सेम वही होगा अगर श्रीलंका के विकेट जाते हैं, उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मोसड्डिक हुसैन जो कि 7th नंबर पे आएंगे तो इनको बैटिंग करने का उतना ज़्यादा मौका मिलेगा, लेकिन अगर बॉलिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं और विकेट निकाल सकते, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब 4th ऑप्शन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, करुणा रत्न है, डी शनाका है, लेकिन उनका प्रदर्शन अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं करुणा रत्न 8 नंबर पर आते, 31+ का स्कोर किया था लास्ट मैच में और ओवर करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मैच 8 नंबर पे आएंगे तो शायद बैटिंग मिलने के चांसेस कम है। दासून शनाका की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दासून शनाका के बारे में बता देता हूँ, ये 21 नंबर पे आते हैं, ये 6 नंबर बैटिंग करने के लिए आते हैं और लास्ट मैच कुछ स्कोर नहीं किया था, तो दासून शनाका मेरे हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, तो बॉलिंग करेंगे तो हो सकते हैं,
लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन है। मेहंदी हसन की अगर बात करेंगे तो मेहंदी हसन एक टैलेंटेड बैट्स बॉलर है दोस्तों, ऑलराउंडर है, तो बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करने के लिए आएंगे तो बैटिंग से पॉइंट तो आपको नहीं देंगे। एट नंबर पर आते ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉलिंग से पॉइंट दे सकते, तो या तो हमें मेहंदी हसन को पिक करना है या फिर हमें यहाँ पर मुशफिकुर रहीम को पिक करना है। अगर बांग्लादेश की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो मेरे हिसाब से जो है मैं यहाँ पे मेहंदी हसन को ही पिक करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये चार ओवर कंप्लीट करेंगे तो शायद इनको एक आध विकेट मिल सकता है, क्योंकि स्पिनर को भी इस पिच पे सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों हमने ऑलराउंडर पिक किए। बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे, थिक्षणा को लेना है, मुस्तफिजुर रहमान को लेना है, सैफुद्दीन को लेना है, इन तीनों में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने रिस्क लिया है। रिस्क कहाँ पे लिया हमने, मुशफिकुर रहीम को ड्रॉप किया, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेहंदी हसन को पिक किया है। जस्ट मिनट गाइस, ओके मेहंदी हसन को पिक किया। उसके बाद दोस्तों बात अगर करेंगे, सी असलंका को पिक किया और यहाँ पे मोहम्मदुल्ला को हमने ड्रॉप किया, तो हमने ऑलरेडी रिस्क लिया हुआ है इस मैच में, दो रिस्क लिए दोस्तों हमने। अब बात अगर करेंगे बॉलर्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया। ओपनिंग बॉलर्स की अगर बात करेंगे तो थिक्षणा है, मधुशंका है, थिक्षणा मधुशंका डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। ओपनिंग बॉलर्स की बात करेंगे, शकीब अल हसन है और उसके बाद सैफुद्दीन, ये हमारी टीम में हो गए, मुस्तफिजुर रहमान भी हो गए। इन तीनों में से कोई दो बॉलर ओपनिंग बॉलिंग कर सकते हैं, सैफुद्दीन मुस्तफिजुर रहमान, ये दोनों ही हमारी टीम में होने वाले जो डेथ में बॉलिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे दोस्तों, ये 10 प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, 11वां प्लेयर पे आपको रिस्क लेना होगा जो आपको क्लीन स्वीप करा सकता है। उसके बाद ग्रैंड लीग प्लेयर्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कौन किस तरह से पॉइंट दे सकता है। अनामुल हक की बात करेंगे, ग्रैंड लीग में आपको इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रिस्क आपको लेना चाहिए। गुंथली का कोई टीम में रखना चाहिए, आफिफ हुसैन को टीम में ट्राई करना चाहिए। नईम शेख की बात करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसी एक टीम में बना देना चाहिए। उसके बाद मेहंदी हसन की बात करेंगे, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन इनको भी बनाना चाहिए, क्योंकि विकेट निकाल सकते हैं। पातिदाना और मधुशंका, ये दोनों ही जो है श्रीलंका की तरफ से बॉलर्स है, इन दोनों को भी आपको टीम में ट्राई करना चाहिए, किसी टीम में एक को, किसी टीम में दोनों को भी ट्राई करना चाहिए। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे स्मॉल लीग के लिए, तो शकीब अल हसन है, डब्लू असलंगा है, मसरिक हुसैन है, भानुका राजपक्षा और थिक्षणा, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे ग्रैंड लीग के लिए, तो पाथुम निशंका है, देखा जाए दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान है, कुशल मेंडिस है, मोहम्मदुल्ला, मेहंदी हसन, ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन होंगे ग्रैंड लीग के लिए। अब दोस्तों हम अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो मेन कैप्टन होगा शकीब अल हसन, जो बैटिंग प्लस बॉलिंग से आपको पॉइंट दे सकते हैं, इनको कैप्टन बनाना चाहिए। वाइस कैप्टन डब्लू असलंगा, जो कि मेरे हिसाब से मेनली एक से लेकर दो विकेट निकाल सकते हैं, तो ये वाइस कैप्टन होने वाले। टीम का प्रीव्यू दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, बांग्लादेश की तरफ से मैंने यहाँ पे तीन ऑलराउंडर को पिक किया जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ पे जो हमने रिस्क लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं मोहम्मदुल्ला को हमने ड्रॉप किया है, मोहम्मदुल्ला को ड्रॉप करके हमने क्या किया, सी असलंगा को पिक किया, जो कि बैटिंग प्लस बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं प्लस बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। मोहम्मदुल्ला 6 नंबर पे आएंगे, बैटिंग मिलने के चांसेस थोड़े बहुत डाउन है, इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, इन चारों ही जो है वो बैट्समैन को पिक किया, लेकिन इन चारों को हमने क्यों पिक किया इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मेहंदी हसन को ड्रॉप करके आप चाहे तो यहाँ पे मुशफिकुर रहीम को पिक कर सकते हैं, लेकिन मेहंदी हसन को हमने क्यों पिक किया है इसके पीछे का भी रीजन बता दिया है। अगर बांग्लादेश की टीम बॉलिंग करेगी पहले, तो मेहंदी हसन और यहाँ पे मौसली हुसैन इंपॉर्टेंट हो गए, सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान, और पहले जो फर्स्ट इनिंग होती है उसमें विकेट जाते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में उतना ज़्यादा विकेट दोस्तों नहीं जाता है, तो मेरे हिसाब से जो सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो गए, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड इनिंग में नईम शेख है, उसके बाद अनामुल हक है, उसके बाद देखिए शकीब अल हसन है, तो हमारी टीम में शकीब अल हसन रहने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने जो रिस्क लिया है आप देख सकते हैं शकीब अल हसन है, मोसली हुसैन है, मेहंदी हसन है, और यहाँ पे अगर देखा जाए सेकंड इनिंग में विकेट अगर जाएंगे तो हमारी टीम में नईम शेख नहीं होगी और अनामुल हक नहीं होगी, उसके बाद देखा जाए मुशफिकुर रहीम नहीं होगी, तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे जो विकेट निकाले डब्लू असलंगा, थिक्षणा, इन दोनों को जो है विकेट मिल सकते हैं, तो ऐसे में जो टीम जो है थोड़ा बहुत रिस्की हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत और मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर सेफ टीम बना सकते हैं असलंगा की जगह पे मोहम्मदुल्ला, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेहंदी हसन की जगह पे आप यहाँ पे मुशफिकुर रहीम, तो ये आपकी सेफ टीम होगी, लेकिन सेफ टीम बनाने का मतलब नहीं बनेगा, जो भी टीम बनेगी दोस्तों जो टॉस के बाद ही बनने वाली है, तो मैंने आपको टीम बना के दिखा दिया किस तरह से टीम बन सकती है, ये फाइनल टीम नहीं होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले। फाइनल टीम में अगर मुझे लगता है कि श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेगी तो शायद मैं यहाँ पे मेहंदी हसन को ड्रॉप कर सकता हूँ, किसी एक जो है वो यहाँ पे मतलब किसी बांग्लादेश के किसी एक बैट्समैन को पिक कर सकता हूँ, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम कहाँ पे मिलेगी दोस्तों, हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में दी है, कमेंट सेक्शन में जाइए, जो फर्स्ट कमेंट आपको मिलेगा उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा किसी भी फेक चैनल पे ज्वाइन नहीं होना है। और देखिए दोस्तों 20,000 रुपये का फ्री गिफ्ट रखा है, तो आप इजीली पार्टिसिपेट करके दोस्तों यहाँ पे विन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो बेल का आइकन इस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।